नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपको प्रिपरेशन ऑफ जुडिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। यह सेशन भारतीय राज्य व्यवस्था का है। इसके तहत सेकेंड सेशन चल रहा था। सेकेंड सेशन का यह दूसरा वीडियो है। सेकेंड सेशन के तहत ये जो दूसरा सेशन है, दूसरा सेशन में संविधान सभा चल रहा था। संविधान सभा का यह दूसरा वीडियो है जिसमें आपको क्वेश्चन 34 to 68 तक कवर करा जाएगा। यदि आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 से शुरू किया जाए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बी एन राव, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही आंसर है 34 का ऑप्शन नंबर सी, यानी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, एस एन सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी के एम मुंशी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। और हो गया 11 दिसंबर का, और जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा यानी एस एन सिन्हा को, इन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एस एन सिन्हा को चुना गया था। ओके, और संविधान सभा के प्रथम बैठक भी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, प्रथम बैठक हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी के टी शाह, ऑप्शन सी बी एन राव, ऑप्शन डी ए के अय्यर। तो 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी बी एन राव को क्या किया गया था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, यानी पूछा यह जा रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी एस एन सिन्हा, मतलब सॉरी एस राधाकृष्णन। 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर ए के एम मुंशी, ऑप्शन नंबर बी एन गोपाला स्वामी अय्यर, ऑप्शन बी एच एस बेगा, ऑप्शन नंबर डी टी टी कृष्णमारी। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी एच एच बेगा वो क्या थे? संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो अब ये बताया जाए कि संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे। संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे आपको भीमराव अम्बेडकर। उनके सदस्य कौन कौन थे? ए एन गोपाल थे। ओके, एन गोपाल स्वामी अय्यर, वही शॉर्ट में एन गोपाल स्वामी अय्यर ऑप्शन। उसके बाद दूसरा थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। उसके बाद के एम मुंशी थे। ओके, मोहम्मद सरदुल्ला थे। ओके, डी पी खेतना तथा पी एस मित्तर थे। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है ऐसे कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी एच एच बेगा संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितना समितियाँ नियुक्त की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी संविधान सभा में कुल 13 विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने हेतु 13 समितियाँ की गठन की गई थी। ओके, संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा समिति नियुक्त कब की गई थी, यानी संविधान सभा के प्रारूप समिति का नियुक्त कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 29 अप्रैल 1949, ऑप्शन नंबर बी 11 जून 1947, ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 16 दिसंबर 1947। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी
29 अगस्त 1947 को संविधान के प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया था? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुना गया था ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास टंडन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति या फिर मसविदा समिति के अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप यानी मसौदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। 42 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या 7 थी। ओके, संविधान सभा के अध्यक्षों की संख्या हो गया आपको, सॉरी अध्यक्ष एक थे, वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तथा संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे बता दें, एन गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सरदुल्ला, डी पी खेतना तथा पी एस मित्तर संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन नंबर ए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन बी डी पी खेतना, ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी के एम मुंशी। 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सरदार पटेल क्या थे? प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। एक बार फिर बता दे, प्रारूप समिति में संविधान के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी, वो निम्नलिखित थे, एन गोपाल स्वामी अंगयर, और उसके बाद अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सरदारदुल, डी पी खेतना, तक पी एस मित्तर थे। ओके, और अध्यक्ष तो थे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद सदाउल्ला खां, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन नंबर डी गोपाल स्वामी अय्यर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, जबकि मोहम्मद सदाउल्ला और के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अय्यर क्या थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? यानी संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष, संविधान के जो प्रारूप समिति थी उनके समक्ष संविधान के जो प्रस्तावना है ना, उसके प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ओके, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी बी एन राव, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। 45 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ओके, ऑप्शन नंबर ए एकता और अखंडता, ऑप्शन नंबर बी बहुमत, ऑप्शन नंबर सी सौर सहमति, ऑप्शन नंबर डी सहमति तथा समायोजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी संविधान सभा में सभी निर्णय सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी आचार्य जे बी कृपलानी। 47 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तुत किया था। ओके, यानी संविधान सभा में क्या किया था? प्रीएम्बल प्रस्तुत किया था। ओके, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर 48 का ऑप्शन नंबर डी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया? ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन नंबर ए गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर डी भारतीय गवर्नर द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर
ई यानी संविधान सभा द्वारा क्या किया गया, भारतीय संविधान को अपनाया गया। ओके अब क्वेश्चन शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 50 नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 22 जनवरी 1946 को, ऑप्शन नंबर बी 22 जनवरी 1947 को, ऑप्शन नंबर सी 20 जनवरी 1947 को, ऑप्शन नंबर डी 26 जुलाई 1946 को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 22 जनवरी 1946 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माता सभा में, संविधान निर्मित सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए जे वी कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी के एम मुंशी, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। 51 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बताइए ऑप्शन नंबर ए जे वी कृपलानी यानी जे वी कृपलानी संविधान सभा का समक्ष झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय झंडा की अभिकल्पना को भारत के संविधान सभा में ग्रहण किया गया था यानी राष्ट्रीय झंडा को भारत संविधान द्वारा कब ग्रहण किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जुलाई 1947 में, ऑप्शन नंबर बी जुलाई 1950 में, ऑप्शन नंबर सी जुलाई 1947 में, ऑप्शन नंबर डी अगस्त 1947 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी जुलाई 1947 में क्या किया गया, संविधान सभा में झंडा को ग्रहण किया गया, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को ग्रहण किया गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वजा कोई रूपरेखा को अंगीकार किया। ऑप्शन नंबर ए 23 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर बी 13 सितंबर 1947 को, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर डी 22 जुलाई 1947 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 23 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत यानी एक्सेप्ट किया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 15 दिसंबर 1948, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। 54 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिले, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली। ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 5 दिसंबर 1949, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 25 जनवरी 1950। 55 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतिम रूप से आखिरी बार मिले। ओके 24 जनवरी 1950 को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षरित किया। ऑप्शन नंबर ए 262, ऑप्शन नंबर बी 284, ऑप्शन नंबर सी 287 यानी 287, ऑप्शन नंबर डी यानी 289। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर ए 375 अनुच्छेद तथा 7 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर बी 387 अनुच्छेद तथा 7 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर सी 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर डी 395 अनुच्छेद तथा 11 अनुसूचियां। क्वेश्चन नंबर 57 का एंड इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में इतने अनुच्छेद 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान समय तक यानी अभी तक कुल अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है, जबकि अनुच्छेद की संख्या 395 ही है, लेकिन उनमें संशोधन करके अनुच्छेद बढ़ाया जा चुका है, उप अनुच्छेद सब अनुच्छेद जोड़ा गया है। ओके लेकिन वर्तमान समय में अनुच्छेदों की संख्या 395 तथा 12 अनुसूचियों की संख्या है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। ऑप्शन नंबर ए
2 वर्ष 7 माह 23 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, ऑप्शन डी 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। 58 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ओके, किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ, यानी किस दिन से संविधान सभा संसद के रूप में काम करना प्रारंभ कर दिया। ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 25 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 18 फरवरी 1950। तो 59 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 से संविधान सभा संसद के तौर पर काम करने लगे। ओके, संसद के रूप में काम करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्य को ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश सरकार द्वारा नियमित किया गया, ऑप्शन नंबर बी गवर्नर जनरल द्वारा नियमित किया गया, ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, ऑप्शन नंबर डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्य को विभिन्न प्रांत की विधानसभाओं द्वारा चुना गया अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, यानी नीचे के जो 4 ऑप्शन है उन सभी में से भारत के संविधान सभा की रचना के लिए संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर ए स्वराज पार्टी ने 1924 में, ऑप्शन नंबर बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ऑप्शन नंबर सी मुस्लिम लीग ने 1942 में, ऑप्शन नंबर डी सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1947 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, एम जिन्ना और सरदार पटेल भारत के संविधान सभा के सदस्य थे, ऑप्शन नंबर सी भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ, ऑप्शन डी भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत हुआ। 62 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्ष 1947 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ओके, प्रांतीय सभा द्वारा सही आंसर है, जबकि ये सब गलत है। इसका सही आंसर क्या है ये बताते चले, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ये सब संविधान सभा के सदस्य थे, संविधान सभा में सदस्य थे, लेकिन ए एम जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा में सदस्य नहीं थे, इस कारण ये ऑप्शन गलत हो जाता है। फिर दूसरा, भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था, यह भी गलत है। भारत के संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, इस कारण यह भी गलत हो गया। और लास्ट ऑप्शन डी भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत हुआ, यह गलत है। भारत का संविधान प्रस्तावना में लिखा गया है 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत किया गया, इस कारण यह भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन से है, ऑप्शन नंबर ए इसने बड़ी संख्या में समिति के मदद से काम किया उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, ऑप्शन नंबर बी अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को संविधान सभा में पर्याप्त प्रतिनिधि दिया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका निर्वाचक सार्वभौम में वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया, ऑप्शन नंबर डी इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वें अनुसूची पर आधारित थी, कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार समिति कर दिया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी इसमें गलत यह है कि इसका निर्वाचक सार्वभौम में वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। इसके अलावा इसमें सभी के सभी ऑप्शन सही है, यानी इसमें बड़ी संख्या में समिति की मदद से काम किया गया जिसमें प्रारूप समिति महत्वपूर्ण थी, यह सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को संविधान सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, यह भी सही है।
इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के छठवें अनुसूची पर आधारित थी। कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार समिति कर दिया गया, यह भी सही है जबकि गलत है ऑप्शन नंबर सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उस वक्त वो क्या थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और संविधान सभा के प्रथम बैठक भी किया गया 9 दिसंबर 1946 को, जबकि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन नंबर डी बी एन राव को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। ओके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सही। ऑप्शन 66 क्वेश्चन नंबर, संविधान के पिंडू लेखन समिति के निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद सदाउल्लाह, ऑप्शन नंबर बी के एम मुंशी, ऑप्शन नंबर सी ए के आई और ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। यानी संविधान पिंडू लेखन समिति के यानी प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे, तो जवाहरलाल नेहरू समिति के सदस्य नहीं थे। चलो भाई ये सभी लोग पिंडू लेखन समिति के क्या थे, सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन तो नहीं है, इसके बाद लास्ट है 68 तक लास्ट है। तो एक और को 67 देखा जाए, भारत का संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1952 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1948 को, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। 67 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, भारत का संविधान लागू हुआ था और अंगीकृत कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था, जबकि लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, ऑप्शन बी स्थिति को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था, ऑप्शन नंबर सी यह एक शुभ दिन था, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसी हेतु 26 जनवरी के दिन क्या किया था, संविधान को लागू किया गया था, जबकि संविधान बन करके तो तैयार आपको हो गया था जिस दिन अंगीकृत अधिनियमित किया गया था यानी 26 नवंबर 1949 तक बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ओके यदि मेरा वीडियो, मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।